गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में दो चरणों में 9 और 14 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में आमने सामने हैं। बीजेपी गुजरात की सत्ता पर पिछले 22 सालों से काबिज है और 2014 के बाद से उसने अधिकतर चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस 2014 के बाद लगातार हार रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के पास बीजेपी को पटखनी देने का मौका है, इसलिए राहुल गांधी इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी के दो सबसे बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छवि दांव पर लगी है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां भी पूरी हैं। शाह का मिशन 150+। गुजरात में 182 सीटें हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 48% वोट और 115 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 39% वोटों के साथ 61 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अमित शाह ने इस चुनाव के 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का गेम प्लान। प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने पिछले दिनों कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही मोदी की छवि और विकास के मुद्दों पर बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी। पीएम बनने के बाद मोदी ने गुजरात में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। बीजेपी इन्हीं के द्वारा वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का मिशन 125+। कांग्रेस के लिए गुजरात चुनाव करो या मरो का सवाल है, इसलिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो गुजरात चुनाव में 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कांग्रेस का गेम प्लान। 22 साल से सत्ता में बाहर रहने के कारण कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर गुजरात चुनाव लड़ेगी। गुजरात मॉडल पर निशाना, पाटीदार ओबीसी और दलितों को साधना, आर्थिक आधार पर आरक्षण का वायदा, बेरोजगारों को 4000 तक बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को घर देने का वायदा, किसानों की कर्ज माफी का वायदा। गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर की लग रही हैं। ऐसे में गुजरात की सत्ता किसे मिलेगी, इसका सही पता 18 दिसंबर को ही चल पाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।